आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप पेपर पर एक सीनरी कैसे बनाएं सिर्फ एक पेंसिल की मदद से, और जो मटेरियल आपको चाहिए होगा एक्स्ट्रा वो होगा एक स्केल और एक इरेजर, ताकि कोई गलती हो जाए तो हम मिटा पाएँ, जाहिर सी बात है। और स्केल इसलिए क्योंकि सीधी लाइन हम नहीं बना पाएंगे एक्यूरेट, तो स्केल की मदद लगेगी। तो तीन चीज़ें आपको ये चाहिए और एक पेपर चाहिए। तो हम एक अच्छी सी सीनरी बनाते हैं जिसमें कि पहाड़ होंगे, नदी होंगी, हट होंगे, पेड़ भी होंगे, आकाश भी होगा, चांद, तारे, सूरज, जो भी आप बनाना चाहें। तो अभी हम दिन की पेंटिंग बनाएंगे, तो सूरज और बादल दिखाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब आपको एक डायरेक्शन में बनानी है अपनी सीनरी, ऐसे बच्चों वाली नहीं बनानी है कि आपने पहले कुछ भी बना दिया। तो जो ऑब्जेक्ट आपको फ्रंट पे दिखता है सामने, जिसके पीछे बाकी ऑब्जेक्ट दिखते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट आपको पहले बनाना है। तो हम एक हट को पहले बना लेते हैं और बाकी जो चीज़ें उसके पीछे दिखने वाली हैं उनको पीछे बनाते हैं बाद में। इससे सहूलियत हो जाएगी, इरेज नहीं करना पड़ेगा बार बार। इरेज करने से क्या होता है, लाइनिंग छूट जाती है, लाइनों के निशान बन जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। तो अभी एक हट बनाते हैं। लाइनों की एक्यूरेसी आपको रखनी है बराबर, देखना है कि कोई भी लाइन टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए। तो इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन एक्यूरेट आएगा एकदम। इधर वाली लाइनों को आपको हल्का सा कर्व करना है, एकदम सीधा नहीं रखना है वरना ज्योग्राफी गड़बड़ हो जाएगी। इससे लगना चाहिए कि ये हिस्सा जो है फ्रंट पर है, ये हिस्सा पीछे है, तो पीछे जा रहा है तो हल्का सा कर्व करते हुए ले जाना है। अब हम जो इसकी ये छप्पर है इसका थोड़ा थिकनेस बताते हैं कि ये एकदम पतली नहीं है, थोड़ा सा थिकनेस है इसमें। तो थिकनेस में आपको क्या करना है, इस तरह से दिखाना है, इस तरह से आपने लाइनिंग कर दी और इसको इस तरह से ले जाए और इस तरह से एक लाइनिंग कर दी। ओके, अब इस तरह से एक लाइनिंग कर दी और एक लाइनिंग इस तरह से जो अंदर की थिकनेस दिखा रहा है। अभी ये पोर्शन हमारा नीचे चला गया था, अब हम इसके ऊपर बना देंगे। इसको मिटा देते हैं, इससे हमें पता चल गया था कि लाइन किस तरह से बनानी है। अब हम इसके ऊपर जब बनाएंगे तो आसानी से बना देंगे एक लाइन। तो ये इसकी थिकनेस आ गई, अब हम आसानी से इन लाइनों को जज कर सकते हैं। अब हमें एक दरवाज़ा बनाना है, यहाँ से आपको पास रखना है, यहाँ से थोड़ा दूर, क्योंकि वो एरिया दूर जा रहा है तो वहाँ से थोड़ा कम दिखेगा, यहाँ से ज़्यादा दिखेगा। तो इसको ऐसे और इसको रखते हैं इतना, और इसको इतना ही कर्व रखते हैं जितना नीचे वाली लाइन है। और एक खिड़की जो कि दरवाजे की ऊंचाई से ही शुरू होगी, इसका भी लेवल आपको ध्यान रखना है। यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इधर इस तरफ आपको यहाँ ज़्यादा रखना है, यहाँ थोड़ा सा कम, क्योंकि वो हिस्सा पीछे जा रहा है। तो इस ज्योग्राफी का आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक जैसा नहीं बनाना है। यहाँ तो चाहे आप जंगला बना सकते हैं, चाहे एक दरवाज़ा बना सकते हैं, चाहे कांच बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक अंदर दो बॉक्स बनाकर दिखाएंगे कि दो खिड़की हैं, यानी दो कांच हैं। बीच का हिस्सा थोड़ा सा बड़ा रखा है क्योंकि बीच में एक लाइन होती है जिसमें कि चटकनी होती है, जिससे कि दरवाज़ा बंद किया जाता है, खिड़की बंद की जाती है। तो बीच का मोटा रखना है, अगल बगल के पतले रखने हैं और ऊपर नीचे के एक जैसे, और बीच का मोटा रखना है। तो ये आपकी हट बन गई है, इसमें एक दरवाज़ा और इस तरह से कर देते हैं, खिड़की ऊपर और नीचे दरवाजे की लाइन और एक खिड़की बनाते हैं। खिड़की चाहे तो गोल बना सकते हैं, गोल के लिए आपको कुछ चीज़ चाहिए होगी, या तो प्रकार चाहिए होगा या फिर आपको कुछ सिक्का चाहिए होगा, लेकिन हम ऐसे ही बना देते हैं। आप चाहें तो इन चीज़ों का यूज़ करके एक्यूरेट बना सकते हैं।
ध्यान रखें कि बिल्कुल गोल ना बनाएं, क्योंकि ये थोड़ा सा कर्वी है, तो ऐसे कुछ कुछ ओवल सा हो, एकदम गोल ना हो। और इसके अंदर इस तरह से कर दीजिए ताकि इसकी थिकनेस दीवार की दिख जाए, दीवार की थिकनेस भी दिखनी चाहिए। और यहाँ एक कांच लगा हुआ है, तो ये अपनी हट बन गई है। और अब हमें बनाना है रास्ता जो इस हट से होते हुए जाता है, जो कि आप ट्रेडिशनल सीनरी में देखते हैं कि हट से होते हुए रास्ता जाता है। या तो ऐसे बना सकते हैं या अलग से एक रास्ता बना सकते हैं। इस जो है हट के सामने एक बाग है, तो उस बाग में फूल पत्तियाँ भी हैं, तो वो आपको सामने दिखेंगे, तो यहाँ पर हम उनको बना लेंगे। इस तरह से आप पत्तियाँ बना लीजिए, पत्ती इस तरह से गई है, एक इसके पीछे से गई है, बिल्कुल पीछे से गई है, ऐसी थोड़ी सी कर्व है, और इसके बीच में से कुछ फूल भी है। इसकी पत्तियां भी है, एक पत्ती बना देते हैं, एक कली बना देते हैं, इसमें एक बड़ी कली बना देते हैं। ये हमारा झाड़ पत्ते हो गए, बाग जो सामने है। और हम एक रोड निकालते हैं इधर से मेन, और एक इससे जोड़ देते हैं हट से। तो ये जो रोड आपकी जा रही है, इस तरह से बना सकते हैं, और एक हट की रोड इसमें से जाके इस तरह से मिल रही है। और ये जो हट है, इसका एक एरिया बनाएंगे कि इतनी ज़मीन पर ये हट बना हुआ है, बाकी इसके बाग हैं। तो पीछे हमें रेलिंग लगानी होगी, तो हम इस तरह से लकड़ी वाली जो रेलिंग आती है, इसको फेंसिंग पीछे बना देते हैं कुछ गोलाई में। ये फेंसिंग यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, इस तरह से, और ये कुछ गोलाई में है। सीधी सीधी अच्छी नहीं लगती, तो हम गोलाई में बना देते हैं। अब चाहे तो जैसे भी बना सकते हैं, सीधी भी बना सकते हैं, पर मैं थोड़ा स्टाइलिश ही रखूँगा। इसके डंडे जो कि एक बल्ली की तरह हैं, लकड़ी के लोग बना देते हैं बहुत से, तो ये उसी तरह की है, कोई ज़्यादा फेंसिंग है जो फैंसी नहीं है, पुराने ज़माने की है। तो नीचे एक हल्की हल्की सी लाइन बना लीजिए, जिससे कि एक्यूरेसी रहे कि हमें इतनी इतनी ही नीचे रखनी है, फिर आप ज़्यादा नीचे नहीं ले जाएंगे तो वो ख़राब लगेगा देखने में, डिसबैलेंस हो जाएगा। काफ़ी पेशेंस का काम है ये। खैर, आर्टिस्ट में तो पेशेंस होना चाहिए, बिना पेशेंस का कोई आर्टिस्ट नहीं बन सकता। अगर पेशेंस नहीं होगा तो वो आर्टिस्ट हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं पाएगा। मेहनत भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए। हम बचपन से ही सीखते रहते हैं ड्राइंग बनाना, लेकिन इसको प्रोफेशनल मोड पर वही ले जाते हैं जिनके अंदर इसमें इसको करने का जज्बा हो, जुनून हो। सीख भी जाते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, नेचुरल टैलेंट। तो ज़मीन को हम ऐसे ऐसे कर लेते हैं कुछ उबड़ खाबड़ सी, क्योंकि ज़मीन जो है एकदम लेवल पे नहीं होती, गार्डन है, मिट्टी है, ऐसे रख लेते हैं कि बिल्कुल इस टीले के बिल्कुल कोने पे फेंसिंग नहीं होगी, बिल्कुल थोड़ा आगे होगी। तो हम इसे ज़मीन को पीछे रखेंगे ताकि पता चले कि फेंसिंग ज़मीन से थोड़ी सी आगे है, वरना तो वो पीछे ढह जाएगी। तो कुछ कुछ रियलिटी भी होनी चाहिए। अब ये हो गया हमारा, ये घास है यहाँ पर, घास को हम ऐसी बना देंगे, जब कलर करेंगे तब बनाएंगे, अभी मैं पेंसिल से ही बना रहा हूँ बस। तो अभी पीछे हमारे बादल और सूरज आएगा। तो बादल कई तरह के होते हैं, हमने देखा होगा, कुछ एकदम रुई जैसे बादल होते हैं, एकदम से गोल गोल से, कुछ बादल होते हैं बहते हुए फटे फटे से, कुछ बादल ऐसे ऐसे। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कुछ भी बना सकते हैं यहाँ, जो भी पसंद हो। तो मैं जो ट्रेडिशनल बादल होते हैं गोल गोल वाले, उस तरह से ही बना देता हूँ। मिक्स करके चलते हैं, लंबे लंबे फटे से भी हैं। अब ये बादल हो गए और सूरज को हम यहाँ पर इस तरह से बना देते हैं, बादलों में छुपा है। तो इस चीज़ को मैं रफ रफ इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हम बाद में इसको आउटलाइन करेंगे तो पेंसिल के निशान मिटा दिए जाएंगे। तो ये जो रफ़ निशान है, इसके ऊपर ही पेंसिल पेन जो इंक पेन है या स्केच पेन है वो चलाया जाएगा, तो ये बाकी मिटा दिए जाएंगे। तो हमारा सूरज हो गया, बादल हो गए, अभी पक्षी बना देते हैं। अब एक पेड़ की कमी है, तो पेड़ हम यहाँ पर कोने में बना देते हैं, जो कि इस गार्डन के बाहर है। अभी यहाँ पर बगीचे हैं, पेड़ जो है यहाँ से बाहर है, थोड़ी ऊंचाई पर है,
तो यहाँ से उसका इतना हिस्सा दिखेगा ऊपर वाला, तो उसको हम इस तरह से डाली आ रही है। दूसरी डाली इस तरह से आ रही है, पेड़ हो गया, थोड़े से बादल और बना देते हैं। तो ये आपकी तैयार हो चुकी है ऑलमोस्ट सीनरी। ऑलमोस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप चाहे तो इसमें कलर भी कर सकते हैं या आउटलाइन वाली ही रख सकते हैं, स्केच पेन से आउटलाइन कर सकते हैं। तो अभी इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में मैं इस वीडियो के अगले पार्ट में इसको पूरा आउटलाइन और कलर करके दिखाऊँगा। तो हम देखते हैं, डिपेंड करता है कि मैं इसमें वाटर कलर करता हूँ या वैक्स कलर करता हूँ या क्रेयॉन्स करता हूँ या स्केच कलर करता हूँ। तो पेपर काफ़ी पतला है तो मैं सोच रहा हूँ क्रेयॉन्स से ही काम चलाऊँ, तो इसमें मैं कलर और आउटलाइन करके दिखाऊंगा। तो अभी आपने उम्मीद है सीख लिया होगा, आगे और भी प्रैक्टिकल करेंगे। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए अगर कोई कमी है तो, अच्छा लगा हो तो बताइए, और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इस तरह के टीचिंग्स वीडियो और कुछ अतरंगी से अच्छे से जिस जो आर्ट्स आपको पसंद आए ट्रेंडिंग पर हों वो सब डालता रहता हूँ और आगे भी डालता रहूँगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए क्योंकि जब तक बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, पता नहीं चलेगा वीडियो आया है कि नहीं। तो थैंक यू, बाय।